मृगांक आज बहुत खुश है। क्यों खुश हो आप मृगांक? कौन आया है ये? मेरा दोस्त आया है। ये क्या नाम है इसका? व्योम है इसका नाम। और ये मासूम सा बच्चा अपनी मम्मी को चिपक के लेटा है जस्ट बिकॉज कि रीति इसके साथ नहीं खेल रही है, क्योंकि रीति खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, त्रिशा के साथ। त्रिशा आप क्या कर रहे हो? रीति, व्हाट आर यू डूइंग? ओह माय गॉड, ये लोग तो बिस्तर बिस्तर लगा के खेल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, खेलो खेलो, मजा करो तुम लोग। ये तो देखो कितना खुश हो रहा है बेचारा। कहा भा बहनी, कहा कहती हम पूरा दिन बिलाग बनाई थे? नहीं, हम बिलाग नहीं बनाई थे, हम कहती हम पूरे दिन बिलाग बनाई थे। तब क्या करो, तो दिखाते भाई सामने। चुप पे रहा, नहीं जाऊँ पीटा बना तो का। टेरिस पे आना था तो मैंने बोला चलो चलते हैं, बहुत दिन के बाद। मैं अकेले होती हूँ तो मुझे टेरिस पे आना अच्छा नहीं लगता। तो और फॉगी फॉगी है पूरा, देख रही है कितना फॉग है। वाह वाह वाह, मैं तो आती ही नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मैनेज होता है। वाह क्या नजारा, व्यू है, व्यू खेल रहे हैं बच्चे। ये वाले लाल फूल देखते हैं, गांव में होते हैं अपने, जंगली ही हैं लेकिन लगाए हुए हैं यहाँ पे तो स्पेशली। कितना व्यू, कितना मस्त, देख रही है। पर फोन हाँ आ तो रहा है हल्का हल्का। नहीं लगते यहाँ। वाह क्या तो प्यारा प्यारा मौसम है। आहा क्या व्यू है, खाड़ी का व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है। तो धुंधला धुंधला जा आ रहा है पूरा। तो परेशान रहती थी कि यहाँ जाऊंगी तो ऊपर, पीछे के पहाड़ वहाड़ कुछ दिख ही नहीं रहे, इतना धुंधला हो गया है। चल ये देखो कैसा पानी पी रहे हैं। तो ये चटनी रेडी हो गई है, ये वड़े बनने जा रहे हैं। तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और ये कर रही है पंचायत जिसको खाने हैं वड़ा, और चाय चढ़ाने में जा ही रही हूँ। बस भगोना मैंने लिया है उठा, तो ये बन रहे हैं गर्मा गर्म साबूदाना के वड़े जो पड़े हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में पड़े हैं, कढ़ाई में देखो आके। गर्मा गर्म वड़े बन रहे हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। तो आ जाइए, जिसको जिसको खाना है वो बड़ा खा जाइए आके। ये हो गई है प्लेट रेडी और ये मैडम के लिए जा रही है। मैडम प्लीज खाइए और बताइए कि कैसी है चटनी और कैसा क्या क्या है। यहाँ पे खड़े होके मत खा, वहाँ पे चलते हैं। तो आज बनाऊंगी निमोना, क्योंकि आ गई है मटर और इस सीजन में आलू गोभी निमोना ये सब सब्जियां बनाना इस कंपलसरी। तो आज है संडे, संडे बनेगा, ढोकला बन गया है, चाय भी चढ़ा दी है और अब चलिए चालू है, प्रोसेस कर रहे हैं कर रहे हैं। बच्चे सो के उठ गए हैं और पूरा पूरा घर फैला के रखा है, मतलब मैं जब तक काम ना करूँ तो कुछ काम होता ही नहीं है। मैं ये डायलॉग मारती तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं कुछ काम करूँ तो कुछ काम होता ही नहीं, बट दैट इज़ द ट्रुथ। क्या झूठ बोलती हूँ क्या? तो ये मेरा ढोकला बन के रेडी है, देखिए कितना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि अलग अलग हो गए देखो। और अभी थाली रखी हुई है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ निमोना, क्योंकि आ गई है मटर। देखो सो के उड़ गए हैं और किसी ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही करने वाली हूँ। फिर बोलो तो बोलेंगे।
बाकी सब मैं करती हूँ। कमरे की हालत इतनी अस्त व्यस्त है पूछो। मैं जा रही हूँ मेरे पुराने वाले घर पे, थोड़ा और सामान जो बाकी था अभी तक लिया नहीं था, और थोड़ा वहाँ पे काम वाम भी वापस से करवाया है, टाइलिंग वाइलिंग। तो चलो देखते हैं क्या काम हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या टाइलिंग चेंज हुई है। अभी तक मैं गई नहीं हूँ बहुत दिन से, तो मैंने सोचा आज छुट्टी है चलो चलते हैं। ये मैं बैठ गई एक्टिवा पर और मैं निकल गई। तो आपको याद तो ही होगा रास्ता, अंदर से काम ही काम दिखाई देंगे। ये आ गई हूं मैं वापस से, देखो नहीं रह गया कोई बात नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अभी है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शेयर जरूर करना। चेंज नहीं है इसमें।